Fan, fan. One, two, three. Thank you. Welcome. Meet me. अच्छा इंडियन लड़की देखा है तो या या अच्छा इंडियन लड़की कैसे इंडियन लड़कियों से इतना प्यार नाइस यू आर फ्रॉम फ्रॉम इंडोनेशिया फ्रॉम इंडोनेशिया ओके ओके नाइस टू मीट यू इंजॉय टू मीट यू तो इंडिया इंडिया कोलकाता शाहरुख खान फ्रॉम मुंबई आई एम फ्रॉम कोलकाता ओके एंजॉय और कैसा लगा सेलिब्रिटी बन के यहाँ पे एक्चुअली इंडियन लड़की को देख के मतलब देखा ही उन्होंने देखा इंडियन लड़की तो उसके साथ में फोटोज लेने लगे मतलब अभी तुम यहाँ पे फॉरेनर हो ना इसीलिए फोटो तो मेरा एक भी ढंग का लिए नहीं तुझसे वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अभी मैं जस्ट सो क्यूट यू और आज हमारा बाली में डे 5 और इस होटल रामायणा होटल में जो हम लोग स्टे कर रहे थे अभी यहाँ से हमारा आज चेकआउट है अभी जाना है आज दूसरे होटल में आज थोड़ा बहुत सारा काम है मतलब कपड़े वगैरह सब कुछ अच्छे समेटना है कि कोई सामान इधर तो छूट ना जाए और रहा बात कल का तो कल की बात को तो कल तो हम लोग डिनर करके आए डिनर करके आने के बाद थोड़ा रूम में हम लोग बातचीत की है मम्मी मम्मी के साथ बातचीत की उसके बाद हम लोग सो गए क्योंकि आज सुबह जल्दी उठना था भागना भी था तो 9:30 बजे ड्राइवर आ जाएगा हमारा नीचे होटल के नीचे तो मुझे फटाफट फ्रेश होना है फ्रेश होके रेडी होना है रेडी होके फिर निकलते हैं हम लोग नेक्स्ट होटल के लिए नेक्स्ट होटल में जाएंगे तो नेक्स्ट होटल कैसा है क्या है वो तो देखने से पता चलेगा और बस 2 दिन है उसके बाद अपने घर ही चले जाएंगे बस ये हॉलीडे यहीं पे एंड हो जाएगा तो हॉलीडे की बात करो तो हॉलीडे में बहुत अच्छे से इंजॉय कर लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो बोल सकते हैं मेरा बहुत ही अच्छा रहा और मैं जो जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज तो सबसे पहले फटाफट फ्रेश हो जाती हूँ फ्रेश हो जाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ गाइज सो फ्रेंड्स फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरा बैकपैक भी हो चुका है सब मैंने अपना सामान सारा समेट लिया जैसे कि देख सकते हो तो अब चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और जैसा जो होता है आप लोगों को बताएंगे अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें दूसरे होटल में भी जाना है और रेडी वगैरह तो हो ही गया सिर्फ पोनीटेल बनाएंगे बस निकल जाएंगे तो चलिए मैं फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ तो ये हम लोग का ब्रेकफास्ट रूम है नूडल्स और ये पापड़ और तो कुछ ऑप्शन ज़्यादा है नहीं खाने के लिए हम लोग के लिए स्पेशली यही खाते हैं फाइनली अभी ब्रेकफास्ट हम लोग का हो चुका है अब जा रहे हैं दूसरे होटल के लिए और व्यू की मैं बात क्या करूँ ये लास्ट टाइम आप देख लो हम लोग का ये होटल था रामायणा जो कि बहुत ही खूबसूरत था और हर जगह से पूरा ग्रीनरी जैसा वाइब्स तो चलिए अब दूसरे होटल की तरफ चलते हैं और वहाँ से हम लोग का क्या प्लान है क्या नहीं है जैसा जो होता है आप लोगों को बताएंगे तो तब तक लिए स्टे ट्यून गाइस और वाइब ही अलग है ना यहाँ का देखिए तो फाइनली अभी हम लोग कैब में बैठ गए हैं और मम्मी मोबाइल चला रही है अभी और हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लिया तो अभी हम लोग जिस होटल में जा रहे हैं एक्चुअली वो होटल नहीं है विला बोल रहे हैं यहाँ तो वो भी नया एक्सपीरियंस होगा विला में स्टे करना
तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, मेरा ड्रेस का कलर मम्मी का ड्रेस का कलर देखिए सिमिलर है, सेम कलर है. मतलब कोइंसिडेंसली हम लोग का कलर सेम हो गया. मम्मी ये शायद ये दुबई पहने गई थी ना, दुबई पहने गई थी, और हम तो अभी नया जो शॉपिंग कर रहे थे वही उसी से ही अभी पहन के अभी काम चला रहे. तो चलिए अब वीडियो को डायरेक्ट विला से ही कंटिन्यू करेंगे. अच्छा लग रहा है ना? अच्छा तो लग ही रहा है. अभी आया, अभी सारा फोटोज आया जो हम लोगों ने अभी क्लिक करा उनके मोबाइल वही में भेज दी. देखिए फोटो कैसा आया. तो मैं डायरेक्ट वीडियो को अब विला से ही कंटिन्यू करती हूँ फ्रेंड्स. तब तक लेट्स स्टे ट्यून गाइस. जिस प्लेस में हमें आना था वहाँ आ गए. कुछ उलू दानू बर्तन बोल के कोई जगह आप लोगों को दिख रहा होगा. अरे भैया आप हट जाओ साइड से. ये जैसे देख सकते हो जगह का कुछ ऐसा नाम है, दया तरीक विस्ता उल्लू दानू बर्तन, मतलब इस जगह का नाम है. तो यही जगह पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे टिकट काउंटर पर, तो टिकट हो जाने के बाद हम लोग अंदर चलेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे. तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं. जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया था, कुछ प्लेस का नाम आप लोगों को दिख रहा है, वो प्लेस का नाम है. प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, दिखाएंगे जैसे जो करेंगे. तो तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस. और प्लेस जैसे देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल. तो चलिए अंदर चलते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं. कैसा लग रहा है प्लेस? नहीं देख लो, अभी हम लोग पहुंच गए और लोकेशन. अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी और फ्लावर है. और यहाँ एक बात है कि मम्मी आ गई हम लोगों के साथ, इनका फोटोज वगैरह अच्छे से क्लिक हो जाएगा. तो जैसा कि देख सकते हो ये यहाँ पे मतलब हर जगह फोटो लेने की जगह है. ये जहाँ से देखो वहाँ फोटो ले सकते हो, और बहुत ही खूबसूरत जगह है. आई लाइक दिस प्लेस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे. और सबसे अच्छा बाली का मुझे ये प्लेस ज़्यादा अच्छा लगा. और इसलिए बोलूँ तो हर जगह फोटो लेने की है. तो बढ़िया लग रहा है, काफ़ी धूप है लेकिन अच्छा लग रहा है. अभी तो अच्छा लग रहा है, पूरा घूमे नहीं है, घूमेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे. लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही. ये देखिए ये सारे जो सीनरी है, ये सारे फोटोज है, आप लोग मूवीज वगैरह में देखे ही होंगे. मैंने भी देखा है बट मैं रियल देख रही हूँ तो कुछ अलग ही वाइब्स आ रहा है. अलग चीज नहीं बोलता है. फैन फैन अच्छा इंडियन लड़की देखा है तो या. अच्छा इंडियन लड़की के साथ, इंडियन लड़कियों से इतना प्यार, नाइस. यू आर फ्रॉम? फ्रॉम इंडोनेशिया. फ्रॉम इंडोनेशिया, ओके ओके. नाइस टू मीट यू. एंजॉय. इंडिया कोलकाता. शाहरुख खान फ्रॉम मुंबई. I am from Kolkata. Okay. Enjoy. Thank you. तो एक मजे की बात हो गई. अभी हम लोग जस्ट फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे. यहाँ के शायद मतलब नॉर्मल सिटीजन होंगे, तो उन्होंने दो जन मेरे साथ फोटो क्लिक करवाया. जैसे बहुत अच्छा लगा, ऐसा मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, तो मतलब फर्स्ट टाइम. ऊपर से दो लड़कियाँ थी जो कि बहुत अच्छी थी, और उन्होंने फोटो वगैरह भी क्लिक कराया. वीडियो भी मैं आप लोग शेयर करूँगी, वो क्लिप मुझे तब मोबाइल में लिया, मैं उसे लेके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और बाकी यहाँ का व्यूज, बारिश वैसे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अभी धूप था ना, अभी देखो बारिश हल्का हल्का, देखिए बारिश होना स्टार्ट हो गया. सब अम्ब्रेला लेके हम लोगों ने स्पीड बोट ले लिया है. जैसे हंड वन में लिए तो वो तो अलग ही था, और इसका पता नहीं. तो हम लोग हो चुका है,
और बोट राइड का जो अमेजिंग अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, जो अंडमान का तो अलग ही था बट ये भी अलग था, एकदम अलग, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। टिकट का हम लोगों का पड़ा 2 लाख के करीब में पड़ा पर हेड, और उसके साथ ये मेमोरीज के लिए हम लोगों ने फोटो भी क्लिक कराए, जैसे कि देख सकते हो है ना, कमाल का फोटोज़। तो इसे मैं अपने पास रखूँगी, मैं उसे नहीं दूँगी। और ये फ़ोटो का शायद 20K लगा, 20K करके पर फोटो 20K करके लगा, तो ये मैंने कहा कि एक मेमोरी के लिए हम लोग रख लेते हैं, तो ये हम ही रखेंगे। और बाकी एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो अभी हम बैठे हैं, अभी मम्मी को लेकर थोड़ा फोटोज़ वगैरह के लिए लेके गया हुआ है, तो वो आ जाता है तो अब चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो मेरा वीडियो आप लोग अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। और ये तो वो लोग आ जाते हैं तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे, और हॉलीडे बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फाइनली हम लोग उलहनदेनो टेम्पल से निकल चुके हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। मुझे भी कैसा लगा? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हो ना, ये जगह जरूर आना। ये मतलब ऐसा जगह है ना, हर कोई एंजॉय कर पाएगा, हर कोई फोटोज ले पाएगा, और ये लिटरली फोटोजेनिक जगह है। ऐसा चीज आपने बस टीवी में ही देखा होगा, इतना खूबसूरत था ये। मैंने भी तो मूवीज में देखा है, अभी मैं रियल देख रही हूं। बहुत बढ़िया जगह है ये, स्पेशली फोटोजेनिक है। और बोट राइड जरूर करना, 2 लाख रुपया प्राइस है, मतलब इंडोनेशियन रुपया का, इंडियन रुपीज में 1000 रुपीज होता है, वर्थ है, करोगे मजा आएगा। अब मम्मी से पूछते कैसा लगा। मम्मी बाली का सबसे बेस्ट सीन हमको यहीं का लगा। अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ऐसे भी हम लोग बहुत जगह जा रहे थे, आप नहीं जा पा रहे थे, लेकिन यहाँ तो वहाँ का गैपिंग वाला सीढ़ी इतना ऊंचा ऊंचा, और यहाँ तो प्लेन रास्ता का आराम से चल गए, फ्लैट सरफेस, अच्छा जगह है। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तनालॉट टेम्पल। अच्छा, वो भी एक अच्छा ही टेम्पल है, फोटोजेनिक है वो भी एक्चुअली। और एक बात है, यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टेम्पल के अंदर मतलब विजिट करने देते हैं या फिर आप जाके पूजा कर सकते हो, नहीं, आपको बस बाहर से ही वो टेम्पल को देख सकते हो, टेम्पल के अंदर जाने का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, पूजा वाला सिस्टम। हाँ, बाहर से ही आपको फोटोज लेना है, लो वीडियोस लेना है लो, और कुछ भी ऐसा सीन नहीं है कि आप अंदर जाना पड़ेगा, तो ये सब है। और बाकी यहाँ का वैसे टिकट प्राइस था 75,000, जहाँ पे हम लोग गए थे उलहनदेनो में। अच्छा, बताया हो कि नहीं? नहीं नहीं, टिकट का प्राइस मैंने नहीं बताया। हाँ, तो 75,000 इंडोनेशियन रुपया होता है, तो 50,000 में होता है, 50,000 रुपया होता है 250 रुपए, तो वही समझो पर हेड 350-300 रुपए करके टिकट था, जो कि वर्थ था। मैं बोलूंगा ये जगह जरूर आना, अच्छा जगह। अभी देखते हैं तनालॉट जाते हैं, दिखाना कैसा है वो भी जगह कैसा। उसके बाद एक और जगह जाने का प्लान हो रहा है, मार्केटिंग करने के लिए, मतलब शॉपिंग्स के लिए। वो जगह का नाम है कृष्णा ओले ओले, मतलब वहाँ पे लोकल चीज बहुत ही चीप एंड अच्छे प्राइस में मिलता है, तो घर वालों के लिए गिफ्ट वगैरह अगर लेना है तो वहीं से मेरा भी प्लान है लेने का। तो डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और नजारे देख सकते हो, बहुत ही मजेदार नजारे। बेल्ट लगा लो तुम ऐसे। ये तनालॉट टेम्पल हम लोग पहुंच चुके हैं, एंटर कर रहे हैं, बहुत ही मतलब यहाँ का प्लेस आप देख सकते हो, ओम स्वास्तिकास्तु, मतलब ये शायद इंडोनेशिया में बोला जाता होगा, ओम स्वास्तिकास्तु। कोई नहीं, टिकट चेकिंग हम लोग एंटर कर गए तनालॉट में, और देख सकते हैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आई तरफ चलते और मम्मी भी हम लोग को ज्वाइन किए, ठीक है मम्मी अभी यहाँ बोला कि पूरा प्लेन रास्ता है, तो चल हम लोग चल लेके जा सकते हैं, तो मम्मी को लेके जा रहे शॉपिंग करने के लिए, बेस्ट है। फाइनली हम लोग तनालॉट पहुँच चुके हैं, सर देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है, तो अभी यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर, जैसा जो होगा आप लोग को दिखाएंगे। काफ़ी खूबसूरत जगह है जैसे देख सकते हो, मतलब आज का जो day 5 हमारा बाली में है, अमेजिंग 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 प्लेसेस मतलब घुमा, मतलब हम लोग घूम रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कमाल का।
अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके का नज़ारा दिख रहा है, देख सकते हो। उसके बाद करें तो व्यूज़ तो कमाल का है, जितने नज़दीक आए हैं उतना अच्छा व्यू दिख रहा है। जैसा कि देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यार। देख ले सकते हो आप लोग, देख सकते हो मेरे पीछे इतना ब्यूटीफुल सा व्यू लग रहा है ना, अल्टीमेट एक्सपीरियंस इसको बोल सकते। पीछे बहुत सारे लाइन है ओ भाई। पीछे जैसे देख सकते हो बहुत सारे हाई हाई वेज आ रहे हैं और यहाँ पर रेड फ्लैग लगा है, इससे आगे हम लोग जा भी नहीं सकते। और कुछ ऐसा नज़ारा है, देख लो प्लेस की बात करूँ तो बहुत ही फोटोजेनिक प्लेस है ये, और मैंने तो बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह निकाले जो कि मेरे इंस्टाग्राम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इंस्टाग्राम मेरा हैंडल यहीं कहीं आ रहा होगा, आप लोग फॉलो कर लेना। काफ़ी खूबसूरत सा जगह, मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब चलते हैं अपने विला की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक होटल चेक इन भी नहीं किया है, तो जैसा जो होता आप लोगों को बताएंगे। तब तक और अभी जहाँ जा रहे हैं वो तो अलग से जगह, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करूँगी। तब तक लेट्स स्टे ट्यून्ड गाइज़।